बंगाल चुनाव से पहले ही रूलिंग पार्टी टीएमसी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, सुनील मंडल जैसे नेताओं के बाद अब दक्षिण 24 परगना के रायदीघी विधानसभा सीट से लगातार दो बार विधायक रही देवश्री रॉय ने भी पार्टी से नाता तोड़ लिया है। देवश्री रॉय का अलग होना टीएमसी के लिए क्रूशियल वक्त में बड़ी राजनीतिक घटना के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है आखिर देवश्री रॉय है कौन और ये नाम टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए कितना अहम था। देवश्री रॉय एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी रही हैं। उनकी पहली फिल्म साल 1966 में आई थी। देवश्री को पहला लीड रोल बंगाली फिल्म नदी थे के सागरे में मिला था। बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ वो एक डांसर और कोरियोग्राफर भी रही हैं। उन्होंने कई बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया है। असुख, प्रहर, 19 अप्रैल, स्वामी विवेकानंद और कभी अजनबी थी उनके हिट फिल्मों में से हैं। फिल्म 19 अप्रैल के लिए देवश्री को साल 1995 में नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। देवश्री ने कलाकार अवार्ड, आनंद लोक पुरस्कार और भारत निर्माण अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। देवश्री बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की रिश्तेदार हैं। वो रानी मुखर्जी की मामी हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी संदीप पाटिल के साथ देवश्री का रिश्ता काफी चर्चा में रहा था। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को अपना दोस्त बताकर इस मामले को शांत कर दिया था। साल 1992 में देवश्री ने एक्टर प्रसन्नजीत चैटर्जी के साथ शादी कर ली थी, लेकिन दोनों 1995 में एक दूसरे से अलग हो गए। देवश्री एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। वो देवश्री रॉय फाउंडेशन नाम का एनजीओ भी चलाती हैं। साल 2011 में देवश्री रॉय ने पॉलिटिक्स के तरफ अपना रुख किया था। देवश्री ने 2011 में बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए चुनाव लड़ा था। हालांकि अब एक्ट्रेस से राजनेता बनी देवश्री रॉय तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ चुकी हैं। देवश्री रॉय ने अपना इस्तीफा टीएमसी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेज दिया है। पत्र में देवश्री रॉय ने कहा है कि पिछले कई सालों से उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन अब वो पार्टी से पूरी तरह से संबंध तोड़ रही हैं। बता दें कि इसके पहले देवश्री ने कहा था कि अब वो रायदीघी से चुनाव लड़ना नहीं चाहती। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी को ये जानकारी नहीं दी है, लेकिन जल्द ही इसके बारे में टीएमसी नेतृत्व को बता देंगी। देवश्री ने कहा है कि अब वो तृणमूल में नहीं रहना चाहती क्योंकि पार्टी में उन्हें काफी अपमान सहना पड़ा है। वो बहुत परेशान हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या दूसरे नेताओं की तरह देवश्री रॉय भी बीजेपी में शामिल होंगी। हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट।